हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स रेडिएशन। हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 10.4। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि फाइंड ए क्रॉस बी, जो है उसका मैग्नीट्यूड हमें फाइंड करना है इफ़ ए और बी करके यहाँ पे दिया हुआ है। तो मैं आपको यहाँ पे पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं हम कि ए जो है वो गिवन है आई कैप माइनस सेवन जे कैप प्लस सेवन के कैप। सिमिलरली बी वेक्टर जो है वो है थ्री आई कैप माइनस टू जे कैप प्लस टू के कैप। ठीक है, तो अभी आपको ये समझना है कि देखो ए क्रॉस बी जो है वो पहले मेरे पास पहले वो होना ज़रूरी है। तो मेरा ये आई कैप जे कैप और के कैप, फिर मैं उसकी मैग्नीट्यूड फाइंड कर पाऊँगा। तो ये यहाँ पे मैं लिखूँगा वन माइनस सेवन और सेवन। याद रखना ये मैंने कैसे लिखा है, इसके सारे कोएफिशिएंट लिखे हैं थ्री माइनस टू और टू। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं वो तो आप सबको पता ही है। पहले आई कैप माइनस फोर्टीन माइनस माइनस प्लस फोर्टीन माइनस जे कैप, ये प्लस होगा ये माइनस होगा ये प्लस होगा। फिर इनका ये मल्टीप्लिकेशन भी पता है आपको, टू माइनस ट्वेंटी वन और प्लस में के कैप माइनस टू प्लस ट्वेंटी वन। तो कुल मिला करके ये ज़ीरो आई कैप माइनस माइनस प्लस नाइनटीन जे कैप और यहाँ पे भी प्लस नाइनटीन के कैप, बराबर। अब ये जो है वो आपको ए क्रॉस बी तो मिल गया है, अब आपको उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो मैग्नीट्यूड फाइंड करना बहुत ईजी है, 19 स्क्वायर प्लस 19 स्क्वायर, वो ज़ीरो का स्क्वायर मैं नहीं लिख रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 19 रूट टू, बराबर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है यहाँ पे, फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर ए प्लस बी ए माइनस बी, वेर ए एंड बी ये ऐसे दिए हुए हैं। मतलब आपको ए जो दिया है वो थ्री आई कैप टू जे कैप एंड थ्री के कैप दिया हुआ है, सॉरी टू के कैप दिया है। तो देखो क्वेश्चन पहले लिख लेते हैं कि ए जो है वो थ्री आई कैप टू जे कैप प्लस टू के कैप है। सेम ऐसे ही बी जो है वो आई कैप टू जे कैप माइनस टू के कैप है। अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ कि मान लो कोई एक नया वेक्टर जो है उसको मैं बोल देता हूँ पी इज़ नथिंग बट ए प्लस बी। तब इसका हम एडिशन कर देते हैं, थ्री आई कैप प्लस टू जे कैप प्लस टू के कैप प्लस आई कैप टू जे कैप माइनस टू के कैप। तो ये बन जाएगा थ्री प्लस वन मतलब फोर आई कैप, टू प्लस टू फोर आई कैप, टू माइनस टू ज़ीरो के कैप। ये जो है वो पी वेक्टर बन गया। सेम ऐसे ही इसको कोई क्यू वेक्टर बोल दो ए माइनस बी को, तो यहाँ पे और कुछ नहीं है, सिर्फ आपको माइनस करना है थ्री आई कैप टू जे कैप टू के कैप माइनस आई कैप प्लस टू जे कैप माइनस टू के कैप। थ्री माइनस वन इज़ नथिंग बट टू आई कैप, टू माइनस टू इज़ नथिंग बट ज़ीरो जे कैप प्लस फोर के कैप, राइट। अब आपको ये प्रूव करना है कि फाइंड द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर, इन दोनों का परपेंडिकुलर कोई वेक्टर फाइंड करो और उसका फिर यूनिट वेक्टर आपको फाइंड करना है। तो वो फाइंड करने के लिए कैसे करना है, इन दोनों से परपेंडिकुलर हो वैसा वेक्टर आपको फाइंड करना है, तो वो आपको मिलेगा ऐसे। जैसे कि आर वेक्टर जो है, मुझे इन शॉर्ट इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना है। क्यों? बिकॉज दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट से ही उन दोनों के परपेंडिकुलर को वेक्टर हमें मिलेगा। तो ये रहा आई कैप
जे कैप के कैप 4 4 0 2 0 4, राइट। सॉल्व कर लेते हैं। क्यों मैंने क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड किया वो पता होना चाहिए आपको, बिकॉज क्रॉस प्रोडक्ट हमें दोनों से मल्टी मतलब म्यूचुअली परपेंडिकुलर चीज़ जो होती है वही हमें देता है, इसलिए 16 माइनस 0 के कैप 0 माइनस 8, तो ये कुछ ऐसा हुआ 4 i कैप माइनस 16 j कैप। अच्छा ये यहाँ पे 16 ही होगा ना, 16 i कैप माइनस 16 j कैप माइनस 8 k कैप, ये रहा हमारा r। अब इसका यूनिट वेक्टर मतलब r कैप फाइंड कर लो, r वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड r, तो मैग्नीट्यूड r तो यहाँ पे ही मिल जाएगा आपको, 256 प्लस 256 प्लस 64, ये हो जाएगा 576, दैट इज़ नथिंग बट 24। तो ये 24 16 i कैप माइनस 16 j कैप माइनस 8 k कैप, 16 बाई 24 i कैप 16 बाई 24 k कैप सॉरी j कैप, 8 बाई 24 k कैप, ये जो है कुछ ऐसा मिलेगा। देखो 16 बाई 24 मतलब क्या, 2 बाई 3 i कैप माइनस 2 बाई 3 j कैप माइनस 1 बाई 3 k कैप। वैसे देखे तो ये 24 जो है वो मैग्नीट्यूड है, वो प्लस और माइनस हो सकता है, तो ये सारा आंसर जो है प्लस और माइनस हो जाएगा, बराबर। ओके तो ये रहा इसका ये यूनिट फैक्टर जो इन्होंने बोला था। थर्ड नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड नंबर ये बोल रहा है कि इफ़ द यूनिट वेक्टर ए मेक्स एन एंगल पाई बाय 3 विथ आई, पाई बाय 4 विथ जे एंड एन एक्यूट एंगल थीटा विथ के कैप, देन फाइंड द थीटा एंड हैंस द कंपोनेंट ऑफ ए, बराबर। मान लो कि ए जो है वो कुछ ऐसा है एक्स आई कैप वाई जे कैप के सॉरी जेड के कैप, बराबर, ये ए है। तो मोड ए क्या हो जाएगा हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब आपको पता है कि ए इज़ अ यूनिट वेक्टर, तो इसका मान मैग्नीट्यूड जो है वो 1 हो जाएगा। आपको ये भी पता है कि ए कैप अगर मैं फाइंड करूं तो वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ए होगा, विच इज़ नथिंग बट एक्स अपॉन 1 आई कैप वाई अपॉन 1 जे कैप जेड अपॉन 1 के कैप। ये चीज़ जो है इसको मैं कॉस अल्फा बोल सकता हूँ, इसको कॉस बीटा और इसको कॉस थीटा, राइट। मतलब कि कॉस अल्फा इज इक्वल टू एक्स अपॉन 1, कॉस बीटा इज इक्वल टू वाई अपॉन 1, कॉस थीटा इज इक्वल टू जेड अपॉन 1। आपको कॉस अल्फा ऑलरेडी गिवन है पाई बाई 3, मतलब कि कॉस पाई बाई 3 एक्स डायरेक्शन का एंगल दिया हुआ है विच इज़ नथिंग बट एक्स, कॉस बीटा दैट इज़ नथिंग बट पाई बाई वो कितना दिया है पाई बाई 4 इज़ इक्वल टू वाई। यहाँ पे हमें कॉस थीटा जो है वो नहीं दिया है, इज़ इक्वल टू जेड लिखेंगे हम। पाई बाई 3 की वैल्यू 1/2 होती है, तो 1/2 इज़ इक्वल टू एक्स, पाई बाई 4 इज़ नथिंग बट 1/√2 इज़ इक्वल टू वाई, और ये कॉस थीटा ही रखेंगे। आपको अभी भी पता है कि इसकी जो वैल्यू है वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज़ इक्वल टू 1, मतलब कि दोनों साइड स्क्वायर करने पर भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज़ इक्वल टू 1, 1/4 प्लस 1/2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज़ इक्वल टू 1। तो इधर से अगर थोड़ा वो लगाया जाए तो देखो कॉस स्क्वायर थीटा इज़ इक्वल टू 1 माइनस 1/2 माइनस 1/4, मतलब कि 1/2 माइनस 1/4 मतलब 1/4 कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस थीटा
इज इक्वल टू वन बाई टू, मतलब थीटा इज इक्वल टू पाई बाई थ्री अगेन, राइट। तो ये इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फोर कुछ ऐसा दिया है कि शो दैट करके ए माइनस बी क्रॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू टू टाइम्स ए क्रॉस बी। तो ये प्रूव करने के लिए आपको सिंपल सा, मतलब लेफ्ट हैंड साइड से ही स्टार्ट करते हैं, विच इज़ नथिंग बट ए माइनस बी, वैक्टर ए माइनस वैक्टर बी क्रॉस वैक्टर ए प्लस वैक्टर बी, बराबर। देखो अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। देखो तो नॉर्मली जो कर सकते हो, ये क्या आ जाएगा, इधर ए क्रॉस ए प्लस ए क्रॉस बी प्लस माइनस बी क्रॉस ए माइनस बी क्रॉस बी। आपको पता है ए क्रॉस ए ज़ीरो वेक्टर होगा, प्लस यहाँ पे ए क्रॉस बी है, इसको ये माइनस को मैं प्लस करूँ तो ये इसको भी मैं ए क्रॉस बी लिख सकता हूँ, ये अगेन माइनस ज़ीरो वेक्टर हो गया, तो ये टू टाइम्स हो गया टू टाइम्स ए क्रॉस बी, विच इज़ नथिंग बट राइट हैंड साइड, क्लियर। क्वेश्चन नंबर फाइव देखते हैं, फाइव नंबर का क्वेश्चन देखो। तो इसमें पूछा गया कि लैम्बडा फाइंड करनी है, लैम्बडा एंड म्यू इफ़ दिस क्रॉस दिस इज इक्वल टू ज़ीरो वेक्टर। भी सिंपल सा क्वेश्चन है, टू आई कैप सिक्स जे कैप प्लस 27 के कैप क्रॉस आई कैप प्लस लैम्बडा जे कैप प्लस म्यू के कैप इज इक्वल टू ज़ीरो वेक्टर, बराबर। अब आपको तो पता है कि दो जो चीज़ है, इसको मान लो कि ए बोल देते, इसको बी बोल देते, तो ए क्रॉस बी आपको दिया गया है, ऑलरेडी गिवन है कि वो ज़ीरो है, ज़ीरो वेक्टर है, बराबर। तो यहाँ पे मतलब लिख दो कि आई कैप जे कैप के कैप क्या करना है आपको, इज इक्वल टू ज़ीरो वेक्टर गिवन है। सिंपल से कंपोनेंट लिख दो यहाँ पे, टू सिक्स 27 वन लैम्बडा म्यू, ओके। सॉल्व कर लेते हैं, आई को अगर लिखे तो ये सिक्स म्यू माइनस 27 लैम्बडा प्लस जे टू म्यू माइनस 27 प्लस के टू लैम्बडा माइनस सिक्स इज इक्वल टू, ये ज़ीरो वेक्टर जो है उसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ज़ीरो आई कैप ज़ीरो जे कैप ज़ीरो के कैप। तो अभी कोएफिशिएंट कंपेयर करें तो टू म्यू इज इक्वल टू 27, मतलब टू म्यू माइनस 27 इज इक्वल टू ज़ीरो एंड टू लैम्बडा माइनस सिक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ से लैम्बडा इज इक्वल टू 3 एंड म्यू इज इक्वल टू 27 बाई 2, ये दोनों वैल्यू, बराबर, क्योंकि हमें फाइंड करनी थी। क्वेश्चन नंबर सिक्स देखते हैं, सिक्स नंबर का क्वेश्चन ये है कि गिवन दैट ए डॉट बी जो है वो ज़ीरो है, ए क्रॉस बी भी ज़ीरो है, व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट द वेक्टर ए एंड बी, ओके। आपको पता है कि ये देखो वेक्टर ए डॉट बी जो है वो ज़ीरो है, इसका मतलब ये हुआ कि ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ से आपको पता चल सकता है कि तीन चीज़ें हैं, कि ए का मैग्नीट्यूड ज़ीरो हो सकता है, बी का मैग्नीट्यूड ज़ीरो हो सकता है, या फिर कॉस थीटा इज़ इक्वल टू ज़ीरो हो सकता है, राइट। सिमिलरली सामने हमें दिया है कि ए क्रॉस बी इज़ इक्वल टू ज़ीरो, तो यहाँ से क्या हो सकता है कि इसकी फॉर्मूला ये है कि ए की मैग्नीट्यूड बी की मैग्नीट्यूड इनटू साइन थीटा इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो ये ज़ीरो तभी पॉसिबल है जब थीटा बोल रहा है इसका
कॉस पाई बाई टू पे ये ज़ीरो होता है, और यहाँ से तीन पॉसिबिलिटी ये बोले कि ए का मैग्नीट्यूड ज़ीरो है, फिर बी का मैग्नीट्यूड ज़ीरो है, या फिर साइन थीटा ज़ीरो है, जो कि बोल रहा है कि थीटा इज़ इक्वल टू ज़ीरो या फिर पाई बाई पाई। बराबर, तो डेफिनेटली पता चला कि दोनों में जो कॉमन चीज़ है, कॉमन आंसर, वो ये है कि ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड ज़ीरो है, और मतलब राइट बिकॉज ये बोल रहा है कि थीटा पाई बाई टू, मतलब दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है, ये बोल रहा है कि थीटा ज़ीरो और पाई मतलब कि पैरेलल है, तो जो पॉसिबल है नहीं। तो यहाँ से पता चल गया कि ए और बी जो है वो तो ज़ीरो है ही, और बी, तो ये हमारा आंसर हो गया राइट, कि दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है वो ज़ीरो होना चाहिए। चलिए 7 नंबर देखते हैं। देखिए 7 नंबर में क्या बोला है कि लेट अस लेट द वेक्टर ए बी सी बी गिवन ए वन आई ए टू जे ए थ्री के बी वन आई बी टू के बी थ्री के देन शो दैट, ये वाला ये आपको खुद से करना है, मैं आपको इसमें कोई हेल्प नहीं करूँगा। हाँ, बहुत ही सिंपल है ये राइट, ये काम करते हैं, चलो देख लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड आपका ये है कि ए क्रॉस बी प्लस सी। अब बी प्लस सी आपको पता है कैसे लिखते हैं, बराबर, बिकॉज़ मैं यहाँ पे आपको पहले यहाँ पे ऊपर ही लिख देते हैं, बी प्लस सी सीधा लिखूँ तो पता चलना चाहिए आपको, बी वन प्लस सी वन आई, बी टू प्लस सी टू जे, बी थ्री प्लस सी थ्री के, बराबर। तो यहाँ पे ये आई कैप जे कैप एंड के कैप, राइट। अब आपको पता है कि पहला ए वेक्टर है, दूसरा बी प्लस सी है। ए वेक्टर मतलब कि ये ए वन ए टू ए थ्री, बी वन प्लस सी वन, बी टू प्लस सी टू एंड बी थ्री प्लस सी थ्री। आपको मैट्रिक्स की एक प्रॉपर्टी याद होगी कि अगर मैं इसको ऐसे लिखना चाहूँ तो भी लिख सकता हूँ, ये आई कैप जे कैप के कैप मतलब कि ए वन बी वन ए टू बी टू ए थ्री बी थ्री, प्लस हमें जो भी एडिशन बीच में दिखाया गया है वो दो मैट्रिक्स को सेपरेटली भी लिख सकते हैं, ए वन ए टू ए थ्री सी वन सी टू सी थ्री। इसको अगर प्रोडक्ट में लिखा जाए तो ये ए क्रॉस बी है, प्लस इसको लिखा जाए तो ये ए क्रॉस सी है, विच इज़ नथिंग बट आवर राइट हैंड साइड, बराबर। चलो आगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 ये बोल रहा है कि इफ़ आइदर ए इज़ इक्वल टू ज़ीरो वेक्टर और बी इज़ इक्वल टू ज़ीरो वेक्टर, देन ए क्रॉस बी इज़ इक्वल टू ज़ीरो वेक्टर, इज़ द कन्वर्स ट्रू, जस्टिफाई योर आंसर विथ एन एग्जाम्पल। तो वो एग्ज़ाम्पल से स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ए क्रॉस बी की फार्मूला समझाता हूँ। इसकी फार्मूला ये है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज़ इन टू साइन थीटा, राइट, क्योंकि मैंने यहाँ पे एन कैप नहीं लिखी है, मैंने मैग्नीट्यूड की फार्मूला लिखी है, ध्यान रखना, इसलिए यहाँ पे मैग्नीट्यूड है। तो पहले चलते हैं कि इफ़ ए क्रॉस ए इज़ इक्वल टू ज़ीरो वेक्टर, बराबर, तो इसका तो डेफिनेटली मतलब यही हुआ कि ए क्रॉस बी जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। सिमिलरली बी इज़ इक्वल टू, अगर ज़ीरो वेक्टर है तो यहाँ पे भी ये मतलब हो ही जाएगा ऊपर जो इक्वेशन है उसके हिसाब से, राइट। अब समझना ये है कि इफ उल्टा लिखते हैं हम कि ए क्रॉस बी अगर ज़ीरो हो, ए क्रॉस बी अगर ज़ीरो वेक्टर हो, तो इसका मतलब ये हुआ ना कि ए बी इंटू साइन थीटा इज़ इक्वल टू ज़ीरो, राइट। तो इसका तो तीन मतलब निकलता है कि ए का मैग्नीट्यूड ज़ीरो, या फिर बी का मैग्नीट्यूड ज़ीरो, और साइन थीटा इज़ इक्वल टू ज़ीरो।
तो कन्वर्स जो है वो यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि साइन थीटा ज़ीरो का मतलब है थीटा इज़ इक्वल टू ज़ीरो या फिर पाई। इसका मतलब ये हुआ कि दिस इम्प्लाइज दैट द कन्वर्स विल, ओके, कन्वर्स इज नॉट ऑलवेज ट्रू, कन्वर्स जो है वो हर रोज़ ट्रू नहीं होगा। द वैक्टर्स मे नॉट बी ज़ीरो बट एंगल इज़ ज़ीरो। ये हो सकता है कि वैक्टर ज़ीरो नहीं हो सकते, वैक्टर्स मे नॉट बी ज़ीरो बट एंगल मे बी ज़ीरो, राइट। तो पैरेलल वेक्टर होंगे उसके लिए ये इस तरह से पॉसिबल हो सकता है, क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बोला है कि फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, वर्टाइसिस दिए हुए हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ इसका एरिया फाइंड करना है। तो पहले मैं आपको ये दिखा दूँ कि देखो ये ए वेक्टर है, यहाँ पे आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2K कैप, ये ए के ऊपर से लिखा है। वैसे ही बी वेक्टर 2 आई कैप 3K कैप 3J कैप प्लस 5K कैप। सी वेक्टर आई कैप 5J कैप 5K कैप, बराबर। अब आपको फाइंड करना है इसका एरिया। तो एरिया फाइंड करने के लिए आप समझ लो कि किसी भी दो कोई भी दो वेक्टर लेने पड़ेंगे आपको, मतलब कि कोई भी ट्रायंगल है उसमें दो साइड है, तो दो वेक्टर मान लो कि ये ए बी सी है, तो मुझे एडजेसेंट ए बी और ए सी लेने हैं, उसके वेक्टर ये दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना पड़ेगा। ये ए बी, ए बी मतलब नथिंग बट बी माइनस ए, तो वो मैं आपको सीधा यहाँ पे लिख देता हूँ। बी माइनस ए आपको पता है कैसे करना है, सीधा ये हो जाएगा आंसर आई कैप 2J कैप 3K कैप। सिमिलरली अगर हम ए सी लिखें वेक्टर ए सी, तो वो सी माइनस ए होगा, विच इज़ नथिंग बट 0 I कैप प्लस 4J कैप प्लस 3K कैप, बराबर। अब हमें पता है कि ट्राइंगल ए बी सी का एरिया जो है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज़ नथिंग बट 1/2 ए बी क्रॉस ए सी, बराबर। ए बी क्रॉस ए सी जो है उसमें ए बी क्रॉस ए सी आपको अलग से फाइंड करना पड़ेगा पहले। ए बी क्रॉस ए सी दो वेक्टर की वेक्टर प्रोडक्ट फाइंड करो आई जे के, ये करके इसकी वेक्टर जो भी आ रही है आंसर उसका फिर मैग्नीट्यूड फाइंड करो ए बी क्रॉस ए सी का, और वो फिर ये फॉर्मूला में डाल दो वैल्यू, तो आंसर मिल जाएगा, बराबर। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, सिमिलरली वही चीज़ है जिसकी एडजेसेंट साइड यहाँ पे दी हुई है, तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं है आपको। ये ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है, तो पहले ए क्रॉस बी फाइंड करो, जो कि सिंपल आई जे के यहाँ पे वैल्यू डाल के फाइंड करो, बाकी का काम हो जाएगा आपका। एग्जाम्पल भी साथ में देख लेना, एम सी क्यू है मेरे पास 11 नंबर पे। वेक्टर ए एंड बी सच दैट मैग्नीट्यूड ए 3 है, मैग्नीट्यूड बी √2/3 है। ए क्रॉस बी इज़ द यूनिट वेक्टर, फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो सिंपल सी चीज़ है कि साइन थीटा की फॉर्मूला हमारे पास ऐसी है, वेक्टर ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड अपॉन ए की मैग्नीट्यूड बी की मैग्नीट्यूड, ये यूनिट वेक्टर है तो 1 हो जाएगा। ए का दिया हुआ है 3, ये दिया है √2/3, 1/√2, साइन थीटा 1/√2 होता है पाई बाई 4 पे,
तो आंसर विल बी पाई बाय 4। सिमिलरली आगे का एमसीक्यू कुछ दिया है, देखो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हैविंग ए बी सी डी विद द वर्ड पोजिशन, ये करके दिया है आपको, इसका वो फाइंड करना एरिया, राइट। तो ये एरिया फाइंड करने के लिए कोई भी दो एडजेसेंट साइड ले लो, ये पॉइंट के वर्टाइसिस है, मतलब मान लो कि ये ए है, ये जो है वो बी है, ये सी, ये डी, बराबर। तो पहले ए बी फाइंड करो, फिर बी सी फाइंड करो, एडजेसेंट ही चाहिए ना हमें, तो ए बी सी, तो ए बी और बी सी फाइंड करो, हमें तो दोनों पास पास वाले ही चाहिए। फिर आपको ए बी क्रॉस बी सी वो फाइंड करना है, वो फाइंड करोगे आप ये मैट्रिक्स की मेथड से, और फिर उसका फाइंड करना है मैग्नीट्यूड, बराबर, क्योंकि ये रेक्टेंगल भले ही बोला बट है पैरेललोग्राम ही एक टाइप का, क्लियर। तो ये है, यहाँ पे एक्सरसाइज पूरी हमने ख़त्म करी है, एग्जाम्पल प्लस एक्सरसाइज 10.4, ये जो है वो आपका होमवर्क है आज का, ठीक है। चलो यहाँ तक रखते हैं, थैंक यू। तो गाइज थैंक यू।